नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली साल करवा चौथ पे एक वीडियो बनाया था कि करवा चौथ में आपको क्या क्या सामान लेना चाहिए, पूजा का सामान और श्रृंगार का सामान। तो वो वीडियो तब भी चला था, अभी भी चल रहा है। तो उस वीडियो पे मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैम, क्या हमें नई साड़ी पहननी चाहिए, क्या हमें सारा श्रृंगार नया ही लेना होता है, आपने जो भी सामान दिखाया क्या हम वो सारा सामान नया लेके आए, मतलब कि जो भी आप यूज करने वाले हो करवा चौथ पे, चाहे साड़ी हो, चाहे आपका लिपस्टिक हो, काजल हो, बिछुआ हो, बिंदी हो, चूड़ी हो, जितने भी चीज़ें हैं, क्या हमें सब नया लाना पड़ता है। तो दोस्तों देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सब कुछ नया लाना पड़ता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको करवा चौथ पे लाना ही पड़ता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप नई साड़ी ही पहने, नए कपड़े पहने, आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं, आप अपनी कोई सी भी साड़ी पहन सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने शादी का लहंगा भी पहन सकते हैं। बहुत सारी महिलाएँ अपनी शादी का लहंगा पहनती हैं और बहुत सुंदर भी लगती हैं। तो आप चाहें तो आप अपनी शादी का लहंगा पहन लीजिए या फिर आप अपनी कोई सी भी साड़ी पहन सकती हैं। नया साड़ी पहनने का कोई रिवाज नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है क्योंकि व्रत करते हैं, त्यौहार है, तो हम सोचते हैं कि नया ही पहन लो, नया ही सामान ले आओ, वो बात होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नया ही पहनना है, आप पुरानी पहन सकती हैं। और रही बात लिपस्टिक की, काजल की, बिंदी की, चूड़ियाँ की, तो आप ये पुरानी भी यूज कर सकते हैं, नया लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नया लाना ही पड़ेगा, वो मैं आपके लिए बता रही हूँ पहले और सासू माँ के लिए बाद में बताऊँगी। तो आपको अपने लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ लानी ही है वो है बिछुआ, और बिछुआ होना चाहिए चांदी का। आप हल्का लेके आओ, आप भारी लेके आओ, आप कैसा भी लेके आओ, लेकिन आपको बिछुआ लाना पड़ेगा। या आपका पहला करवा चौथ है तो आपका इस बार चेंज होगा, अगली बार करवा चौथ होगा तब भी आपका बिछुआ चेंज होगा, यानी कि हर साल करवा चौथ पे बिछुआ बदला जाता है, दूसरा नया बिछुआ पहना जाता है। तो आपको बिछुआ तो लाना ही पड़ेगा। तो पहला तो ये है, या फिर आपके पास पहले का रखा हुआ है लेकिन आपने उसे नहीं पहना है तो आप वो बिछुआ पहन सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जो नया सामान लाना चाहिए वो लाना चाहिए एक सिंदूर का पैकेट, क्योंकि आप जो सिंदूर का पैकेट लाते हो वो आप करवा माँ को लगाते हो, पार्वती माँ को लगाते हो, और उसी सिंदूर को आप अपनी मांग में लगाते हो। तो मेरे हिसाब से आपको एक सिंदूर का पैकेट भी नया लाना चाहिए। तो दोस्तों आपको नया केवल एक बिछुआ लाना है, बाकी आप जितने भी चीज़ें होती हैं पुराना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको पूजा की थाली के लिए, यानी कि अपनी सासू माँ के लिए कौन कौन सा सामान ज़रूर लाना है। पूजा की थाली की बात करें या फिर आप पूजा के सामान की बात करें, तो जो करवा आता है वो तो नया आएगा ही, क्योंकि वो हर साल नया आता है। मिट्टी का जो करवा होता है जिससे कि हम चंद्रमा को जल देते हैं, तो वो वाला करवा तो आपका नया आएगा ही। जो हम पोस्टर इस्तेमाल करते हैं करवा चौथ में, करवा माँ का पोस्टर आता है, मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, तो उस पोस्टर को भी आपको लाना होगा। और चांद को देखने के लिए जो हम छलने का इस्तेमाल करते हैं, आप वो पुराना भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो आप नया ना लाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, रोली मोली, चावल, शहद, ये सब तो आप पहले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करवा आपको नया ही लाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो हम पूजा की थाली में सामान रखते हैं, श्रृंगार का सामान रखते हैं, जो कि हम अपनी सासू माँ को देते हैं, उस थाली में आपको क्या क्या ज़रूर रखना चाहिए, तो उसमें नॉर्मली मिठाइयाँ रखी जाती हैं, फ्रूट्स वगैरह रखा जाता है, हमारे यहाँ मीठे करवे रखे जाते हैं, पूड़ियाँ रखी जाती हैं। तो देखो पूड़ियाँ तो आप घर में बनाते हो, वो तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रसाद जो है करवा माँ को चढ़ता है, फिर आप अपनी सासू माँ को देती हो, सासू माँ नहीं है तो आप गाय वगैरह को खिला सकती हैं। और हमारे यहाँ पे करवा दिया जाता है तो वो तो हम देंगे ही लाके, अगर आपके यहाँ पे नहीं दिया जाता है तो आप मिठाइयाँ वगैरह रख सकती हैं, फल वगैरह रख सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा फल लाके रखो, आप चाहो तो एक फल भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पांच प्रकार के फल रखो, या फिर आप केला रख रहे हो तो आप 10 केला रखो या 50 केला रखो, ऐसा नहीं है, आप एक केला भी रख सकते हो, आपका पूजा हो जाएगा। और मिठाइयों की बात है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको 1 kg का डब्बा ही लाके रखना है, आप चाहो तो आप 2-4 पीस मिठाई के रख सकते हो पूजा के तौर पे, और उससे ही पूजा कर सकते हो। तो आप अपने बजट के हिसाब से जो है अपने करवा चौथ का सामान ले आइए, पूजा का सामान ले आइए। और रही बात सासू माँ को सामान देने की, तो देखो जी श्रृंगार का सामान तो आप सासू माँ को दोगे तब भी, नहीं दोगे तब भी, वो तो करवा माँ को चढ़ाया जाता है और वो हम खुशी से अपनी सासू माँ को देते हैं, वो पूजा का एक नियम होता है।
कि आपको उसमें ये सामान तो रखना ही है, आपकी सासू माँ हो या ना हो, या फिर आप अपनी सासू माँ को दोगे या नहीं दोगे, वो सामान तो पूजा की थाली में जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों थाली में जो भी जरूरी सामान होता है, जैसे कि आपका सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, चूड़ियाँ हो गई, इसके अलावा आपका बिछुआ हो गया, मेहंदी हो गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंगार का सामान है, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा। बाकी और चीज़ें आप रखो मत रखो वो तो आपकी मर्जी है, लिपस्टिक मत रखो, आप काजल मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंदूर तो आपको रखना ही पड़ेगा, बिंदी तो रखनी पड़ेगी आपको, महावर, हाँ और हाँ आपको महावर रखना पड़ेगा क्योंकि महावर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा बिछुआ, बिछुआ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको भी नया बिछुआ पहनना है और वैसे ही आप अपनी सासू माँ को भी नया बिछुआ देंगी। वैसे तो आपको चांदी का बिछुआ देना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप दो दो चांदी के बिछुआ ला सकें, तो आप नॉर्मल आर्टिफिशियल बिछुआ भी आता है मार्केट में, आप वो भी ला सकती हैं। इसके अलावा बात आती है साड़ी की, तो नॉर्मल जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा साड़ी लेके आओ, 200 400 का भी साड़ी मिल जाता है, क्योंकि आपको पूजा में शामिल करना है, किसी को आप दे नहीं रहे हो, आपको पूजा में शामिल करना है, आप पूजा के लिए ला रहे हो, तो उस हिसाब से आप ला सकते हैं। लेकिन आप अपनी सासू माँ को दोगे तो वो जैसा पहनेंगे आपको वैसा ही लाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप बेकार दे दोगे तो फिर आपको पता है सासू माँ का मुँह फूलेगा ही फूलेगा, तो इसलिए उनके हिसाब से लेके आइए, अपने लिए तो मत लाओ लेकिन उनके लिए ज़रूर लेके आओ। और इसके अलावा देखो क्या है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसे इतने होते ही नहीं कि वो साड़ी लेके आ पाए, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप एक ब्लाउज का कपड़ा ला के रख सकते हो। आपके सासू माँ को भी आपकी स्थिति के बारे में पता होगा ही कि इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सारा सामान ला के दे सके, तो आप एक ब्लाउज का कपड़ा भी धर सकते हो और उनको दे सकते हो। अच्छे पैसे हैं आपके पास, आप ला सकते हो तो आप ज़रूर लाओ, क्योंकि उसकी पूजा की जाती है, आपको करवा माँ के लिए लाना है, आपको पूजा में शामिल करने के लिए लाना है, तो उस हिसाब से आप सामान लेके आइए कि हाँ जी ये पूजा का सामान है और मुझे ये लेके आना है। अब आप अपनी सासू माँ को दो या किसी और को दो वो आपकी मर्जी है, लेकिन नॉर्मली स्टार्टिंग से ही सासू माँ को दिया जाता है क्योंकि उनको खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है इसी वजह से। लेकिन आप चाहो तो आप अपनी माँ को दे दो, अपनी नंद को दे दो, अपनी जेठानी को दे दो, अपनी बुआ सास को दे दो, पंडित जी को दे दो, किसी को भी दे दो, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, और आपने जो मुझसे सवाल पूछा है शायद आपको उसका जवाब भी मिल गया होगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।